गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? अच्छा, अभी ड्राइवर के फ़ोन करे क्या क्या बोल। आज मेरा लास्ट दिन इस घर में है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कल मैं जा रही हूँ, बस 10 दिन की मेहमान हूँ। 10 दिन की मेहमान आई थी, मैं जा रही हूँ। आग में आलू भूजल गल का तो खाना तो बनता है। गैस वाली दवाइयाँ कहाँ मम्मी? एक ही खा ली। फोन आज कहाँ से उठे? आदि का आलू का अलग ही स्वाद। बाड़ा भी ना हम ले, हम इतना दिक्कत ना लेके हम गैस का दवाई, हम रास्ते पेड़ भी ना मांगत रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मेरी फ्लाइट है, मतलब फ्लाइट से मैं जा रही हूँ, तो आज मेरा लास्ट डे है इस घर पे और कल मैं निकलूँगी और पता नहीं अब कितने महीने बाद आना होगा। तो फाइनली थोड़ी सी सभ्य लड़की बन जाती हूँ, थोड़ा सा सूट वूट पहन लेती हूँ बाजू वाले। हाँ, गांव में ऐसे ही इसको ही सभ्य बोला जाता है, सभ्य लड़कियाँ। और वही स्लीवलेस पहन लो, मिनी स्कर्ट पहन लो, तो वहाँ पे सभ्यता कम हो जाती है। मतलब कपड़ों के हिसाब से इंसान का करेक्टर डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ये दुनिया ऐसी है, कपड़े अच्छे हैं अगर आप फिर भी अच्छे नहीं हो, आप गलत काम करते हो तो आप अच्छे हो, और आप कपड़े छोटे पहन रहे हो लेकिन आप सही हो, काम से काम मतलब अपना रखे हो, किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं, तो आप गलत हो। तो ऐसा समाज है, और ठीक है जो भी है, तो थोड़ा सभ्य बन जाती हूँ। बाकी मेरा डोले तो अभी भी है। अच्छी बात ये है कि जाके जिम करना है यार, जाके बहुत दिन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मिस किया है ना, मैंने अपने जिम को मिस किया है। मतलब यार एक ऐसा चीज होता ना, वहां से रोशनी आ रही है, गंदा है क्या ये? तो एक्सरसाइज करते करते आदत हो जाती है यार चीजों की ना, और सच में मैंने बहुत मिस किया है अपने जिम को। और यार हल्का सा लगाऊंगी, यहाँ पे रोशनी आ रही है ना, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मम्मी ने काजल बनाया था मेरे लिए, मैंने बोला था कि घर का काजल बना देना, तो इसीलिए मम्मी ने बनाया था, तो वही काजल मैं निकाल के लगा रही थी। काफ़ी डार्क होता है और अच्छे भी, अच्छा भी होता है आँखों के लिए।
तो यहाँ पे एक पेंसिल वाला काजल था, वो ब्लू कलर का, उसी से मैं ये निकाल के लगा रही थी। मैंने कहा उंगलियों से लगाऊंगी तो पता नहीं, कुछ हाथ में लगाओ, मिर्च विर्च तो लगता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, तो मिर्च आँख में लग जाती है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लगाया और अच्छा लग जाता है, पतले में लग जाता है ना। तो मुझे नहीं पता था कि ये सारे वीडियो शूट करने के बाद मेरी मोबाइल मेरे पास नहीं रहेगी। आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा कितना अच्छा था इस मोबाइल का, और मोबाइल मेरी कितनी बढ़िया थी, इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना देख के। लेकिन साथ में दुख भी हो रहा है कि इस मोबाइल से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इतना पैसा लगने के बाद भी मैं, यार मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक है लेकिन कैमरा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही अजीब सा ना, मतलब वीडियो नहीं डालने की वजह से बहुत बुरा फील हो रहा है। तू लोग पूजा कर लू ना ही मंदिर तो शाम के जा, तू लोग पूजा कर लू तो हम क्या करके निकला था साथ घूमने। ही गांव की यादें भी ताज़ा हो गई। जब मोबाइल बन के आया तो मैंने कहा ये वीडियो जो मेरे पास पड़ा है वो डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग गांव की वीडियो बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता चलो है भाई गांव की बहनों वीडियो पूजा देख के। करके सब मिलती हूँ, चलो भैया पूजा पाठ कर। पूजा हो गई, तेरो नाम जरते मुआ ना कड़ी कड़ुआ कड़ुआ सा लगा था, मुंह जैसे लगा था कड़वा कड़वा सा। मोबाइल चार्ज लगा दो फिर शूट करती हूँ, पैकिंग करना है बहुत ज्यादा। मैंने YouTube की पहली सैलरी से अपनी वो मोबाइल खरीदी थी, और जब मैं ससुराल गई थी तब खरीदी थी लवली के जाने के बाद। तो लवली की मोबाइल अभी पड़ी हुई है फ़िलहाल, लेकिन उसका कैमरा अच्छा नहीं है। मोबाइल जब पुरानी होती है ना तो कैमरा भी ख़राब हो जाता है, लेकिन वो मोबाइल मेरी जो थी जिससे मैं वीडियो शूट करती थी अधिकतर इंस्टाग्राम पे, मैं कंटिन्यू मतलब बनी रहती थी। लेकिन सारी चीज़ें मोबाइल टूटने के बाद ना, ना इंस्टाग्राम पे कुछ देखने का मन करता है ना, नहीं तो मैं स्टोरी ऐड बराबर करती थी, ऐड करती थी, सॉन्ग लगाती थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी मोबाइल। लेकिन उसके जाने की वजह से बहुत जगह वीडियो शूट करने का मन भी करता है तो नहीं कर पाती हूँ। दोस्तों का लेके वीडियो जो खींच लेती हूँ फिर सेंड कर लेती हूँ अपने में, यही सारी चीज़ें करती हूँ। कैमरा ख़राब हो गया है उसका, पूरा लवली जो मोबाइल दी है उसका कैमरा उतना अच्छा है नहीं, और जो था वो तो टूट गई है मोबाइल मेरी। मैंने पैसे देके बहुत बनवाने की कोशिश की लेकिन कैमरा ही उसका चला गया जो मेन पॉइंट था। तो यही है, और थोड़ा सा देखते हैं जैसा बजट बनेगा तो फिर लेना होगा तो लेंगे, और नहीं बनेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा टेंशन तो होता है कि जब आप वीडियो नहीं डालते तो आपका चैनल पीछे जाता है, लेकिन देखते हैं मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी पैकिंग कर रही थी, सोच रही थी कोई चीज़ सारी भूलूँ ना। पैकिंग, थोड़ी पैकिंग करनी है, मिलती हूँ आपको पैकिंग करके। मम्मी ने दिया है थोड़ा सा लहसुन और छोटी सी कढ़ाई, जो कि अधिकतर नॉनवेज एक ही इंसान को खाने के लिए कितना हो, तो छोटी सी कढ़ाई और लहसुन। चलो मिलती हूँ। वो बैग तो हो गया रेडी, ये बाकी, ये इसमें एक में 15 एक में 7 का है, देखो क्या होगा। तो अभी अभी कुछ भी चीज़ें रखनी बाकी है जो इसमें रखूँगी। खाना खा लेते हैं, पैकिंग करते करते भूख लग। खाना 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 था, खाना दो खाना।
कहाँ फसल ऐसे ऐसे मोड़ी, ऐसे ऐसे मोड़ी, कब से कब आ वो फसल है वो कम वो खोल देते हैं राजी नहीं उधर बात और कहाँ देखा लटका है जीजी अरे रहा वहाँ ऐसे गया यही में दबा लहा ला जीव दान दे रहे हैं कब से ना क्या दे दे ना ये छाले पड़ गए थे उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया और ये देखना गंदे हो रखे हैं पता है अजीब सा ड्राई सा हो रखा है और ये छाले पड़ने के बाद ऐसे हो रखे हैं। हाँ तो पेडीक्योर करवाऊंगी यार एक बार अच्छे से करवा लूंगी फिर जूते पहनूंगी मोजे डाल के तो ठीक हो जाएगा। छाले निकले थे छाले वैसे ही रह गए फूटे ही नहीं उसके बाद कड़ा हो जाता ना चमड़ा छोड़ देता है तो चमड़ा छोड़ा तो अजीब सा पैर हो गया। पैर देखेगा कोई और चेहरा देखेगा तो कहेगा इस लड़की का पैर नहीं है। तो जाऊंगी मैं करती हूँ कुछ फाइनली अभी बैग में कुछ रखना बाकी है और पहनने वाले कपड़े मैंने वो कर लिए देखते हैं क्या करते हैं। चलो मिलती हूँ आपको ना अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। मैं जेरो दुनिया मोड़े गल पीछे कल ए टाइम तक दिल्ली दिल्ली अब दूर नहीं है पौना घंटा में निकल जाएंगे। कैसा घर हुआ ही बना ला रहे ये हमारे गांव के भैया और ये गाड़ी चला रहे जय बजरंगबली बाबा। हम आ गए टहलते टहलते अपने मंदिर पे ये है मंदिर फूले थोड़ा तब मिलते हैं। तो जब गांव का लास्ट दिन था मैं आने वाली थी दूसरे दिन तो मैंने कहा दीदी के साथ थोड़ा टहल लेती हूँ टाइम बिता लेती हूँ तो उनके साथ टहलते टहलते मैं आ गई थी इस तरीके से। और बहुत अच्छा लगता है घर के बाहर का माहौल ना शाम के टाइम बहुत अच्छा होता है क्योंकि हवा चलती है और आप टहलने के लिए काफ़ी जगह है रोड पक्की रोड बनी हुई है तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मेरे गांव के औरतें और आदमी लोग सब लोग टहलने जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भैया के एक दोस्त आए थे सॉरी भैया आए थे पुराने घर से तो उनकी ना साइकिल थी तो मैंने कहा लाओ साइकिल चलाती हूँ वैसे भी जिम वम तो छूट रखा है मेरा तो यहाँ पे मैं साइकिल चला रही थी दीदी वीडियो बना रही थी और मैं दीदी से बोल रही थी तुम भी चला के दिखाओ तुम चलाती ऐसे ना तो तुम्हारा ना वेट कम हो जाता तो मैं दीदी बोल रही थी मेरे से नहीं चलेगा। तो एक टाइम था जब दीदी मैं बुआ सब लोग पढ़ने जाते थे ना तो साइकिल ऐसे चला के जाते थे पुराने दिन बड़े अच्छे होते हैं और याद भी आते हैं। तो अभी भी मैं कंफर्टेबल होकर चलाती हूँ साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल चलाने के बाद मैं आ गई और यही दीदी और मैं मज़ा ले रहे थे। चलो बाय बाय टेक केयर।